स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हकीम जी के नुस्खे में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने लाइव आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने मरे हुए नफ्स को, बेजान नफ्स को, जो बेजान हो चुका है, जो शरीर की सारी नसें सुगड़ कर नफ्स बेकार हो गया है, सेक्स नहीं हो पाता है, बीवी फारिग नहीं हो पाती है और सेक्स में आनंद नहीं आता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं इसी मुद्दे को लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको ये दो चीज़ आपको बताऊंगा मैं, इन चीज़ से आपको क्या करना है। अगर इन चीज़ का आपने, दो चीज़ का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह आपका नफ्स बेपना शक्तिशाली हो जाएगा और बहुत अच्छा काम करने लगेगा। आपकी बीवी फारिग होने लगेगी, आपसे दिन में खुश होने लगेगी। इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद आप दिन में तीन चार चार बार हम बिस्तरी कर पाएंगे और हम बिस्तरी का पूरा मज़ा उठा पाएंगे और आप आने वाली अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना दोगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही नहीं है कि आपको नुस्खे बताना। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर आप गलत काम करते हैं या आप किसी भी गलत काम में लग गए हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप समझ रहे होंगे, मुश्किलनी आप बिल्कुल मत करिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। दोस्तों, ये छोड़ दीजिए और आपको इस नुस्खे को इस्तेमाल करते वक्त इन चीज़ों को छोड़ना होगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको अब ये शहद लेना है, ये शहद है, शहद की शीशी आपको लेनी है और एक गोले की तेल की शीशी आपको लेनी है। गोले के तेल को और शहद को आपस में मिक्स कर लेना है, इन दोनों को आपस में मिला लेना है। मिला लेने के बाद अपने नफ्स पर मलना है, अपने नफ्स पर अच्छी तरह से मालिश करनी है। दो टाइम सुबह और शाम के टाइम आपको इसकी मालिश करनी है। ऐसा आपको रोज़ाना करना है, कम से कम 30 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह जो आपका नफ्स है बेपना शक्तिशाली हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है और नुस्खा है। दोस्तों, नुस्खों को इस्तेमाल करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।